नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। जब नारी शक्ति पर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी प्रियंका वाड्रा नकली गांधी, उसी समय दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही थी राजस्थान की राजधानी में। मित्रों, आप में से ना जाने कितने लोग इस बात को जानते होंगे, लेकिन जो अवगत नहीं है उनके संज्ञान में मैं ये बात लाना चाहती हूँ। जिस समय बड़ी बड़ी बातों पर मोर्चा संभाल रही थी आप, ये प्रियंका वाड्रा नकली गांधी, प्रियंका राजीव फिरोज जहांगीर, जो अपने दादा जान की प्रयागराज में कब्र में नहीं जाती, क्योंकि कब्र में जाने से उनके वोट बैंक को खतरा हो सकता है। हालांकि उनका समुदाय विशेष का वोट बैंक तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो आजकल वो जो माथे पर तिलकधारी बनी हुई है स्टीफन माइनो की नातिन और मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद फिरोज जहांगीर की पोती, पता नहीं वो कैसे ईसाई से शादी करने के बाद, ईसाई और पारसी मुसलमान की नातिन और पोती, वो ईसाई से शादी करने के बाद ना जाने वो कैसे ब्राह्मण हैं, कहाँ से वो ब्राह्मण हैं मुझे नहीं समझ में आता। कोई चार पीढ़ी के बाद भी गैर ब्राह्मणों में, गैर हिंदुओं में शादी करने के बाद भी हिंदू रह सकता है, मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है ना। उसके बाद ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली, जो अपने जिनके संस्कार ये हैं, जो अपने दादाजी की कब्र में योगी योगी करती हैं, कभी दादाजी की कब्र में झाड़ू नहीं लगाती, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? क्या आप अगर किसी राज्य में जा रहे हैं, वहाँ आपका पुश्तैनी गाँव है, आपके दादाजी की समाधि हो या दादाजी को वहाँ जलाया गया हो, तो वहाँ उस वहाँ पर आप जाएंगे नहीं, उस घर पर जिस पर उन्होंने अपने दिन बिताए होंगे जाएंगे ना? कभी उनका नाम लेंगे कि नहीं लेंगे, उनकी पुण्यतिथि बनाएंगे नहीं बनाएंगे? लेकिन ये नहीं बनाते, तो इनके संस्कार देख लो, इतने दोगुल्ले राजनीति के लिए उनको भूल जाते हैं। तो उसी समय, ठीक उसी समय जब ये यूपी में बकवास कर रही थी, यूपी में दुस्साहस कर रही थी झूठ बोलने का और योगी महाराज पे आरोप लगाने का, उनके वहाँ जाके विचित्र घटनाओं को, विस्तृत घटनाओं को अंजाम देने का सुनियोजित साजिश करके, उसी समय राजस्थान की राजधानी में एक बहन को तड़पा तड़पा के लूट घसोट की घटना को अंजाम देकर उसको मारा जा रहा था, और लूटपाट कर रहे डकैतों ने, राक्षसों ने, उन अनैतिक शक्तियों ने उस बहन के जेवरात चोरने के लिए उसके पैर तक काट दिए, मैं जूते समेत उसके पैर तक काट दिए। दोस्तों, इतनी निर्मम हत्या करी जिसको देखकर मानवता शर्मसार हो जाए। लेकिन इसमें आपको एक और बात बताते चलूं कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जिस तरह से आप देख रहे हैं राजस्थान में, झालावाड़ में, इधर पे कुछ बहुत सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको ये भी पता होगा कि रोहिया, अब आप कहेंगे फिर यहाँ पर ये एंगल डाल रही है, लेकिन ये सच्चाई है। जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस बलवान है, वहाँ वहाँ पर जो बलवान हिंदू भी हैं वो भी निम्न स्तर पर जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनके अधिकारों पर किसी और का, किसी और की गिद्ध की नज़र टिक रही है। जैसे वहाँ का एक मंत्री है राजस्थान का, उसने अधिकारियों से कहा तुम्हें ये जो ज़मीन है इसकी परमिशन देनी होगी, आवंटन देना होगा, तो वो ज़मीन उसने लिस्ट, मेल लिस्ट समेत पूरी की समुदाय विशेष को दे दी, क्योंकि वो मंत्री खुद समुदाय विशेष से आता था। उसने जो घरों के पट्टे, ज़मीनों के पट्टे इनके नाम कर दिए, उसमें एक भी हिंदू नहीं है। और अब आप सोचिए वो कौन होंगे वो लोग, वो उसमें से 100% रोहिया होंगे, जिनके नकली आधार कार्ड या तो हो सकता है असली भी बनाए हों। तो ऐसे जो लोग हैं उनको अविलंब वहाँ से, जो दूसरी सरकार आती है उसने उन्हें आउट करना चाहिए, या उस पर केंद्र को, सरकार को, या संगठनों को सामने आके निकालना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही लोग, जिस तरह से ये घटना हो रही है, जिस तरह से पहले भी लोग लूटपाट करते थे, बट दोस्तों इस प्रकार से अनैतिक दुराचार करके और पैर काट के इस तरह की चीज़ें नहीं करते थे। ये हमें सिर्फ खाड़ी देशों में सुनने को मिलती थी, और ये खाड़ी परंपरा देश में आ रही है। कौन लोग लेकर आ रहे हैं? आपको याद होगा मध्य प्रदेश की घटना मैंने बताई थी, वहाँ राजू नाम से एक हिंदू नाम से एक व्यक्ति रह रहा था, ठीक है ना, ऐसा कारोबार कर रहा था, फिर पड़ोसियों को पता चला, फिर वो चूड़ी बेचने वाला था। ऐसे ना जाने कितने राजू, कितने पप्पू आपके इर्द गिर्द होते हैं, और ये मैं हर बार कहती हूँ, फिर दूसरे लोग भी इन बातों को लेकर आते हैं, कई बड़े कई छोटे, तो आप उनकी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों को भी सुनिए। और मैं चाहती हूँ बोले कोई भी,
बोले कोई भी, ऐसा नहीं है कि कोई क्यों बोल रहा है। बात यह है कि आप चाहे मेरे मुंह से सुने या किसी और के मुंह से, मित्रों आपको इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इन लोगों के असली चेहरे समझिए। ये केवल एकमात्र एक ईसाई महिला या मैं, मुझे ईसाइयों से ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों, लेकिन जो डुप्लीकेट है ना इनसे प्रॉब्लम है, जो भारत में एक एजेंडे के थ्रू। अगर आप हिंदू नहीं हो तो क्यों ये तिलक लगा के नाटक कर रही हो? हमारे मोदी जी ने तो कभी नहीं करा, वो तो सबका भला चाह रहे हैं। हाँ, योगी महाराज ने तो नहीं करा, जो अच्छा है उसका सबका भला चाह रहे हैं। अगर मैं, मुझे कोई विभाग मिला है, अभी चाहे मैं कितनी बातें कर लूँ, लेकिन अगर मुझे कोई विभाग मिला है तो मेरे क्षेत्र के सारे लोग मेरे लिए बराबर हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि मैं किसी को दिखाने के लिए टोपी पहन के फिरूँ या किसी को दिखाने के लिए कुछ? तब बात दूसरी होगी। काम मुझे सबका करना होगा, लेकिन अपीजमेंट क्यों करना होगा? क्योंकि धर्म तो मेरा पर्सनल है। जब धर्म आपका पर्सनल है तो किसी को प्लीज क्यों कर रहे हो? क्यों आ रहे हो टीका लगा के? कोई कैसे है वो, कैसे रह सकती है? इसका मतलब तो हिंदू परंपराओं में उनका यकीन ही नहीं है। अगर मैं अधिकारी हूँ, प्राची सिंह अधिकारी हूँ, और मेरा विवाह किसी से भी, मतलब कोई भी, प्राची सिंह राठौर में बनूं या प्राची सिंह बनूं, मतलब वो कोई सिंह हो और दूसरे हों, बिसेन राजपूत हो या कोई वाल्मीकि हिंदू हो, तो प्राची सिंह राठौर या प्राची वाल्मीकि या प्राची गुप्ता या प्राची अग्रवाल, मैं वो सरनेम, मतलब अपने सरनेम के साथ वो सरनेम लगाऊंगी ना, क्योंकि हमारी भारत की परंपराओं में। या फिर अगर मैं नहीं भी चेंज करती हूँ तो जब मैं कहीं जाऊँगी तो मुझे मिसेस सो एंड सो बोलेंगे ना, अगर मैं करती हूँ तो, जिस परिवार में मैं जाती हूँ तो उस व्यक्ति का, भले ही मैं अपना नाम ना चेंज करूँ कि मेरे नाम से मेरी पहचान है, लेकिन हाँ जब मुझे बुलाया जाएगा या मुझे कोई एड्रेस करेगा तो मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो करके करेगा। तो ये कौन सी महिला हैं जिनका ना अपने दादाजी के सरनेम पे भरोसा है? एंटीना माइनो, मतलब जो स्टीफन माइनो थे उनके फादर, पिताजी, उनका वंश आप नहीं चला रहे, उनके 50% आप नहीं हो, आप जहांगीर, फिरोज जहांगीर के वंशज नहीं हो, आप कहाँ हो गांधी के वंशज? फिर आप कैसे हो, आप कैसे तिलक लगा के आ रहे हो? और आपका पति, उसका तो असम्मान हो गया, रेहान का नाम आपने रेहान वाड्रा गांधी रख दिया, किस और से गांधी? मानक गुप्ता, मानिकचंद गांधी हैं, कौन है ये लोग? हैं गांधी जी के तो परपोता पोता लोग वहाँ चले गए थे ना, वहाँ भी एक तुषार गांधी हैं, हमसे भी जुड़े हुए थे पहले वो किसी उसमें फेसबुक में शायद। तो आप ये सोचो ये कहाँ से गांधी हैं, ये आके नाटक खेल रहे हैं। दो टसुए इस बहन के लिए भगा दी थी। मतलब तुम अगर नारी सशक्तिकरण में बात करती हो तो इस औरत के लिए, इस लड़की के लिए जिसकी निर्मम हत्या हुई, पैर काट दी गए, उसके लिए बात करती। पंजाब में इतना दलितों का अपमान हो रहा है, जो ST SC हैं, हमारे हिंदू हैं या हमारे सिख हैं, उनके साथ इतना कुछ गलत होता है, लोग अभी भी, आज भी उनके साथ भेदभाव करते हैं। तुम बाहर से तो एक ऐसे आदमी को ले आते हो जो सीधे पने का ढोंग करता है और पैसा खूब कमाता है और ईसाई होते हुए भी, वो भी ईसाई होते हुए पगड़ी बांधता है, उसको तुम हिंदू बना के ले आते हो और तुम यहाँ बकवास करते हो? थोड़ी शर्म करो ऐसे। और जनता भी ऐसे दुगल्ले लोगों को पहचाने जो दो शब्द सिर्फ इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि वो घटना उनके शहर में हुई है। और आप एक चाहे आप बीजेपी को लाइक करें ना करें, पर आपको एक चीज़ देखनी होगी कि घटना भले उनके शहर में होती है, वो कहते हैं कि एक भी दोषी पकड़ा नहीं जाएगा, सॉरी एक भी दोषी जो है वो छूटेगा नहीं और एक भी अपराधी बच के नहीं जाने पाएगा, सारे जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे और अपने अंजाम पे जाएंगे, वो कोई भी हो, चाहे किसी के पद पे हो और किसी का बेटा हो, किसी का बाप हो, अगर उसने गलत करा है तो उसकी जगह केवल सलाखों के पीछे। ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं। अब आप सोचिए ज़रा, हो सकता है कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो उसको कोई आधार बना के बकवास करने लग जाए, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। चाहे आप भाजपा को कितना नकारिए, लेकिन भाजपा ने ये कार्य तो करे हैं कि अगर उन पर थोड़ा सा भी उनको बोला गया है या उन्होंने खुद से करा है या उन पर थोड़ा सा भी उन्होंने बोला है, लोगों ने बोला है, तो उन्होंने उस चीज़ को अंजाम दिया है कि उन्होंने गलत होते हुए गलत को सहा नहीं। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, भले उन पर कितने इल्ज़ाम लगे, क्योंकि उनको पता है कि विपक्ष को एक मौका चाहिए। तो ये
ये जो औरतों के उसमें मुहिम भरती हैं, दम भरती हैं, जिनके वहाँ कोई बाहर का व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं बन सकता, मम्मी मम्मी भैया पिंकी पप्पू एंटीना माइनो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बम माता जी अक्कड़ बक्कड़ खेलती हैं। आजकल पति भी जो खुद चोर है, किसानों की ज़मीन खा के बैठा है, जिसके पास शादी से पहले एक रुपया नहीं था, प्रियंका के बराबर पैसा नहीं था, आज वो अरबों का मालिक बना हुआ है, कहाँ से आ रहा है? और सोनिया गांधी ने कोई काम नहीं करा, वो कहाँ से फोर्ब्स की मैगजीन में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और रिचेस्ट महिला बन गई? तो इन लोगों का कुछ नहीं है, इन्होंने बाहर यूरोपीय देशों में खूब प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखी है। आपका भारत ऐसी तैसी में जाए, कहीं भी उड़ के चल देंगे, इनके पास चार चार पाँच पाँच पासपोर्ट है, इनके बहकावे में मत आओ। ये तुम्हारे भारत का जितना गंदा कर सकते हैं उतना ही गंदा कर रहे हैं। और हिंदुओं, तुम तो किसी भी पार्टी में हो, ये याद रखना, अपनी पैतृक अपने 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 लोगों को, अपनी पैतृक पृष्ठभूमि और अपनी मैतृक पृष्ठभूमि, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो तुम्हारा साथ दे, चाहे वो दबी ज़ुबान से क्यों ना दे, उसकी शक्ति बन के सामने आओ। तुम्हारे लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये मत सोचो कि ये जो कर रहे हैं खिलवाड़, ये किसी दलित के साथ, ये ब्राह्मण के साथ, इसके साथ नहीं, ये जातिवाद से बाहर निकलकर ये सोचो कि तुम्हारे जो भी गरीब लोग हैं उनके खिलाफ जो तुम्हें भड़काया जाता है, और ये जब कोई रियल मुद्दा होता है उस पर नहीं बोला जाता, एक तड़प तड़प के लड़की जान दे देती है, उसको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, एक गैंग सक्रिय होता है, वो कौन गैंग है, किस समुदाय का गैंग है, वो तो आपको खुद देखना होगा, भले ही वो हिंदू नाम से आ जाए, लेकिन वो 100% मैं बोलती हूँ ये वही लोग होंगे, ये उन्हीं का कार्य होगा, ये उनसे ही इन्फ्लुएंस होंगे। जो समाज में गंदगी आती आती किससे है? अगर हमें तो पत्थरबाजी पता नहीं थी, लेकिन हमें पत्थरबाजी कैसे पता चली कि कौन पत्थरबाजी करता है? हमें पता चल गया पत्थरबाजी होती है। अगर हमारे ऊपर परिस्थिति ऐसी बनी तो हम भी, अगर हमको लगे कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है और ये लोग पत्थर मार रहे हैं तो हम भी इनको मारेंगे, ये तो आदमी सीखता है ना। ऐसे ही आप ये सोचिए कि अगर कोई लूटपाट का गैंग है और उसको ये सब आ रहा है, या तो ये वही लोग हैं या उनसे इन्फ्लुएंस है, या मन से इस्लाम और बाहर से केवल नाम राजू पप्पू रखने वाले हैं, तो ये गैंग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये खाली एक पिस्टल लगा के, चाकू लगा के भी, हालांकि करना नहीं चाहिए लेकिन सिर्फ उसके बेसिस पे भी मांग सकते थे, लेकिन ये हत्याएं कर रहे हैं लूटपाट के लिए। तो आप सोचिए, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलती ये प्रियंका वाड्रा नकली गांधी, प्रियंका राजीव माइनो जहांगीर, ये कोई बातें नहीं बोलती, दो शब्द नहीं बोलती, जो दादाजी की कब्र में राजनीति के चलते, सियासत के गंदे खेल के चलते अपने दादाजी की कब्र में दो कदम चल के नहीं जाती, उस औरत को आप भाषण सुनने जाते हो, धिक्कार है। और ये औरत जो अपने 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 शासित राज्यों में हो रही घटनाओं के लिए बोलती नहीं है, मतलब जहाँ छत्तीसगढ़ वगैरह में जहाँ लोग अनैतिक कार्य कर रहे हैं, जहाँ चरस गांजा पकड़ा जा रहा है, वहाँ के लिए नहीं बोलती, गुजरात के लिए खूब बोलती। इन लोगों से आप थोड़ा बचो और सतर्क हो जाओ, वरना ये आपके देश को बर्बाद कर देंगे। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत। और उस बहन के लिए मेरी संवेदनाएं हैं, उसके परिवार के लिए भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, नए वस्त्र रूपी नए शरीर रूपी वस्त्र प्रदान करे। जय जय हिंद, जय जय भारत। वंदे मातरम, जय श्री राम।